क्या आप ही मिस्टर ब्रिज मल्होत्रा हैं? जी देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। अंदर चल के बात कर लें। हाँ जी आइए। डैडी जी आ गए। बैठे। डैडी जी अरे आ गए सब लोग। तुम लोग जरा अंदर जाओ। जाओ पत्थर जरूरी बात करनी है कुछ। हाय रब्बा ये मुई टिम्पी ने कहीं इसे पता तो नहीं दिया कि मैं इसे पसंद करती हूँ। माही ये लड़का मेरी फ्रेंड है ना टिम्पी। टिम्पी के भाई का दोस्त है मुझे बस इतना पता है मैं इसे नहीं जानती। जी मैं जीत जीत खुराना श्री डीडी खुराना का बेटा। डीडी खुराना खुराना एंड सन्स वाले हमारा ऑयल का बिजनेस है। डीडी खुराना डिंगा दास खुराना ना? जी हाँ। ये तो डिंगा का बेटा है। अच्छा 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 मैं तो समझा के। फरमाइए कैसे आना हुआ? जी मैं आपकी बेटी राजी के बारे में बात करने आया हूँ। राजी तुम राजी को कैसे जानते हो? जी मैं उन्हें जानता तो नहीं हूं पर कई बार उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर सोचा कि रिश्ते की बात लड़की से नहीं लड़की के माता पिता से करनी चाहिए। देखो पुत्र अच्छे कार के बच्चे अपनी शादी की बात खुद नहीं करते। नहीं नहीं अंकल आप गलत समझ रहे हैं मैं अपनी नहीं अपने बड़े भैया वीर खुराना की बात करने आया हूँ। दरअसल उन्होंने ही आपकी बेटी राजी को गुरुद्वारे में देखा था बस तभी से। अंकल ये रिश्ता करवा के अपने भैया को ये खुशी मैं ही देना चाहता हूँ। बहुत प्यार करते हो अपने भैया से? जी हाँ अंकल मेरे लिए तो मेरे भैया ही सब कुछ हैं। भैया पुलिस में ASP हैं इस वक्त इंदौर में पोस्टेड हैं। फैमिली को तो आप लोग जानते ही हैं तो अंकल। पुत्र अब ये सारी बातें तो संयोग की होती हैं। संयोग होगा तो शादी भी हो जाएगी। तो फिर ठीक है अंकल मैं मम्मी पापा को भेजता हूँ आपसे बात करने के लिए। नमस्ते। बेटा कुछ चाय नाश्ता? हाँ। नहीं जी बस मैं चलता हूँ। पुत्र एक बात हो इतनी अच्छी बात इतने खतरनाक तरीके से कहने आए थे। अब जी मैं समझा नहीं। तरम नल पुलिस की जीप देख के मैं तो डर ही गया था। जी नहीं वो तो भैया की जीप है। भैया इस वक्त टेम्पररी ड्यूटी पर आए हुए हैं। आपके साथ जो बाहर खड़े थे वो? जी वही तो है मेरे बड़े भैया वीर खुराना। उन्हें अंदर तो बुलाना चाहिए था। हाँ हाँ जी वो अच्छा कोई नहीं ठीक। अच्छा जी नमस्ते। चलो ना। आप भी कमाल करते हैं उसका बड़ा भाई था उसे अंदर बुलाना था ना। कमाल तो तू कर रही है मोनी ये औरतों के काम में तुझे बुलाना चाहिए था। हर काम आप मेरे पे डाल देते हो। अरे तेरे पे क्या डाल देता हूँ नहीं बुलाना नहीं चाहिए था औरतों के काम है कि नहीं बता। वो तो ठीक है रहने दे वैसे ही पुलिस वालों को देख के टेंशन हो गई थी। कहाँ
ओए होए, वीर क्या बात है। वैसे दी, यहाँ से दिखने में तो ठीक ठाक ही है ना? मतलब देख तो, बड़ी बेचैनी हो रही है। ऐसा है तो अभी जाकर बात करके आती हूँ। सुन, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मेरा नीचे जाना या वीर? परेहत। आए हाय, तेरे परेहत के सदके। माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो गया। माता के दर्शन भी कराए और दर्शन का फल भी मिल गया। परिवार तो बहुत अच्छा है। पुल्स की जीभ देखकर मैं तो पहले डर ही गया था। डर तो मैं भी गई थी। पुलिस का डर और कॉलेज में वो ये लड़कियां हैं कहाँ? आज कॉलेज भी नहीं गई। ओए सोनी, माही, राजी। हाय हाय, अब आते ही डांटना मत शुरू कर देना, आराम से समझाना। वो बेचारे तो तुम्हारे आने की तैयारी में लगी हुई थी। राजी, पहले क्यों नहीं बताया तूने वीर के बारे में? डैडी जी, मैंने उनसे कभी बात भी नहीं की। तूने उसे देखा है पुत्र? कभी कभी आते जाते। क्या हुआ राजी? डैडी जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो लड़का तुझे पसंद नहीं है? बताना। पता ना पुत्र, अगर पसंद नहीं है तो बात आगे बढ़ाते ही नहीं है। डैडी जी, वो शर्मा रही है, मतलब पसंद है। पुत्र, शादी तेरी पसंद से ही होगी। डैडी जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कौन माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों से अलग होना? लेकिन बच्चियां तो दूसरे की मानत होती है, जिन्हें माँ बाप अपने पास संभाल कर रखते। भाइयों मोनी, संभालते संभालते कम वक्त दिन लग जाता है। लो जी, सारे रोन लग पे। अरे मोनी, ये हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ही इमोशनल नहीं है, हैं? सब रोने लग गए। ये तो इस तरह हो गया जैसे पिंड जी बसिया नहीं, परौने पहले ही आ गए। पहले ब्याह तो हो जाने दो बच्ची का, फिर रो लांगे। क्या हुआ? ना हो गई ना? मैं जानता था ना ही होगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुझे भेज दिया। अरे वो लोग संस्कारी लोग हैं, तुझे तो देखते ही डर गए होंगे। वो लोग गुंडा दिखता एकदम। मम्मी पापा को ही भेजना चाहिए था। हंसना तो आता ही नहीं है तुझे, ऐसा लगता है जैसे किसी पे एहसान कर रहा हूं। बस भाई, बहुत हो गया यार। तुझे तो मेरी कोई परवाह नहीं है, ना कर दी तो कर दी, ओके? हाँ कहा उन्होंने, वैसे
ना भी नहीं कहा है। क्या क्या कहा उन लोगों ने? तुम क्या सुनना चाहते हो? तुझे नहीं पता? गाड़ी चलाओ भाई। सच? अरे मेरे यार किसी दे दे। मुँ, मुँ। यार ये किसिया विसिया ना, अपनी बीवी के लिए बचा के रख। अब चलें। ए, गाड़ी चला भाई, गाड़ी चला। कुड़ी तो सोनी है और फैमिली भी बड़ी चंगी है। मैं मिसेस शर्मा, मुझे तो ये रिश्ता बड़ा पसंद है हमारे वीर के लिए। मम्मी जी, जब तक ननंद को भाभी पसंद ना हो शादी कैसे हो सकती है? पूरी भी कुड़ी है ना। हसमानु खानी सोनी बड़ी है। वो तो उसके कहने का मतलब कुछ और ही था, लेकिन वो अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरी खानदान को वीर की फोटो शोटो बहुत पसंद आई है, इसमें कोई शक है? मठे, धर्मनाल, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है, इस घर में मेरी चीजें क्यों गुम होती है? अब सवेर से ना तो मेरे को फ्रेश कच्छा मिला और ना बनियान मिली और जुराबे, एक चिट्ठी है तो और एक कर... नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नहीं ठीक है, जुराबे हैं, किसने देखनी है? अब किसी भी रंग की हो, काली पीली नीली चिट्टी रहेगी तो पैंट के नीचे ना। ठीक भाई, मिसेस शर्मा हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए हमारे वीर के लिए। अच्छा जी, वीर का रिश्ता पक्का हो गया? बधाइयां जी, लाख लाख बधाइयां। बहन जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आप मुंह मीठा करके जाना। जी भाई साहब। रखो। अरे वीना, तुम यहाँ? जी आंटी। दुर्गा बहन जी, तुम्हारा तो घर ही भर गया। पहले ज्योति अपने मायके में आकर बैठ गई और अब वीना भी आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं आंटी, इन दिनों कमजोरी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए तो यहाँ आ गई। बहू का काम तो ससुराल में सास ससुर की सेवा करना है, उनसे सेवा लेना नहीं। ये बात तो है। और आंटी मेरा केस तो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे वो गए हैं कनाडा, ऐसे में लड़की ससुराल में क्या करेगी जब उसका पति ही नहीं हो। आखिर मिसेस शर्मा मायका होता किस लिए? रहो रहो, आराम से रहो, मैं अब चलती हूँ। अरे भाई, तुम लोगों की हाँ भी तो उन लोगों तक पहुँचानी है। बाय। अरे हाँ मिसेस शर्मा, बात चलाते वक्त हमारा स्टेटस न भूलना, सब संभाल लूंगी। मामा, ये शर्मा आंटी यहाँ फिर से क्यों आई थी? अरे तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता लेकर आई है, वो पूरी की बेटी है, इकलौती है और बड़ा ऊंचा खानदान है। भाई मुझे तुम्हारे लिए ये रिश्ता बड़ा पसंद आया, तुम्हें कोई और पसंद है? हाँ माँ। कौन? वो माँ ब्रिज मल्होत्रा जी की बेटी राजी मल्होत्रा। वो लक्कड़ वाली मल्होत्रा की बेटी? हाँ माँ। देख, पसंद आना और शादी करना दोनों अलग अलग बातें हैं, और फिर मल्होत्रा का लेवल हमारे बराबर का नहीं है। मैं नहीं मानूंगी इस शादी के लिए, बिल्कुल नहीं। रिश्तों के बीच ऊंच नीच की बात होती ही कहाँ है?
जिसे एक बार अपना बना लिया वो तो खुद ही बराबर का हो जाता है, है ना? और मुझे भरोसा है माँ, राजी आपको भी अच्छी लगेगी। अरे ऐसे कैसे पसंद आएगी लड़की? अरे जब लड़की वाले ही पसंद नहीं है तो लड़की कहाँ से पसंद आएगी? अरे कहाँ वो लोग और कहाँ हम? कहाँ हमारा ऊंचा खानदान और कहाँ वो गवार लकड़ वाले? एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैंने आज तक इस घर के लिए जो भी फैसले किए हैं सही किए हैं, लेकिन किसी के गलत फैसले से मैं अपने घर के उसूलों को नहीं तोड़ने वाली, समझे? आज वो मेरे घर आया था। कौन आया था? डिम्पी, वही जिनका मैं नाम नहीं लेती। जीत खुराना, लगता है तेरी शादी पक्की हो गई है। उसी का तो न्योता देने आई। डिम्पी पगली, वो अपने बड़े भैया का रिश्ता लाए थे हमारी राजी दीदी के लिए। ये तो और भी अच्छा है। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम माही को डाल दाना। फिट्टे मुंह तेरा, क्या बकबक कर रही है ये? अच्छा नहीं बोलती, तूने बात की उससे? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। वो मेरे सामने आता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाती। अच्छा एक काम करते, उसे फोन करते और तू बात करना। ना ना, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे तुझे माही बन के थोड़ी ना फोन करना है, तो कोई और बन के फोन कर। चल तुझे लिख के देती हूँ तुझे क्या कहना है। हेलो, मैं कंचन कपूर बोल रही हूँ। मुझे आपकी आवाज मतलब गाना बहुत पसंद है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हमारी नई नई पहचान हुई है, नए रिश्ते बनने वाले हैं। मैं आपको जानती हूँ। मैं आपकी फोन फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं एक कॉल गर्ल हूँ और फिट्टे मुंह तेरा, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। तू जानती है कॉल गर्ल क्या होती? मुंह फिट्टे तेरा, आगे तो पढ़ती क्या लिखा है। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, शहर के सबसे बड़े कॉल सेंटर में काम करती हूँ। ये कहना था तुझे? तू और तेरी टूटी फूटी अंग्रेजी सारा सत्यानाश करती है। अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा, आवाज पहचान जाएगा मेरी। सारा मूड बिगाड़ दिया डिम्पी तुम। चल मैं तेरा मूड ठीक करती हूँ। वो मेरे पड़ोस का लड़का है ना, जो मैंने कहा था पूरी 15 बोलियां बोलता है। चल उसकी बोलियां सुन दे। मुझे नहीं आना कहीं। चल ना माही मजा आएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। चल माही मजा आएगा। हाँ गुड्डू, हाँ भाई बड़े आराम से पहुंच गए थे, कोई तकलीफ नहीं हुई। गड्डी रोक। और तमिल? अयो अम्मा, आई एम रजनीकांत सुपर स्टार। दादी जी, गाड़ी कार ले लो। मैं तो कह रही हूँ मासी निकाल दो इसे, बहुत पुराना गंदा सा लग रहा है। अरे माही,
कहाँ थी तू पुत्र? सब तुझे ढूंढ रहे थे। पूछ इससे कहाँ थी ये? देखना चाहिए था वहां चौराहे पर इसे। बोलियां सुन रही थी, चीखें मार मार के हंस रही थी। मेरा सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका है। ये लड़कियां ना नाक कटवा देंगी मेरी। दुपट्टा ले सर पे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? दुपट्टा ले सर पे। अब तेरी सजा है। वहां चल, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जा। खबरदार, जब तक मैं ना बोलू ना हिलना नहीं वहां से। आफिना, अब वो बड़ी हो गई है। आंख बड़ी हो गई है। मां बाप के लिए बच्चे तब बड़े होते हैं जब वो कोई अकल का काम करें। सब सच कहते हैं, मैंने ही बिगाड़ा इन्हें। अरे अब तो रिश्ते भी आने शुरू हो गए। राजी के लिए रिश्ता आया है ना? अगर लड़के वाले ये सब देख लेते तो क्या सोचते कि यही संस्कार दिए ब्रिज ने? जी हाँ, आपने ऐसे ही संस्कार दिए। आपकी तारीफ दुर्गा खुराना, वीर खुराना की मां।